हेलो ऑल, हम लोग यूके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डे टू पीसीआर टेस्ट बुकिंग से लेके उसकी रिपोर्ट आने तक का सारा प्रोसेस बता देंगे, उसको कितना टाइम लगता है वो भी बता देंगे, कितने पैसे लगते हैं वो भी इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि हम लोग जाने वाले हैं यूके, यूके में अराइवल से पहले ही आपको डे टू या डे एट टेस्ट बुक करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन योर वैक्सीनेशन स्टेटस। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको डे टू ही बुक करवाना पड़ेगा, एंड अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको डे टू एंड डे एट दोनों टेस्ट बुक करवानी पड़ेंगी, और वो भी आपको इंडिया से ही बुक करना पड़ेगा, जिसका रेफरेंस नंबर आपको पीएलएफ फॉर्म में देना पड़ता है। पीएलएफ यानी पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, जो कि आपको इंडिया में फिल करना पड़ेगा। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, ये जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे आपको डे टू एंड डे एट टेस्ट की सारी जानकारी मिलेगी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे कि हमने डे टू का टेस्ट बुक करवाना है तो इस वेबसाइट में आ गए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। ओके, एंड यहाँ पे जो है, अगर हमारा पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आप अंडर 18 हैं तो ये वाला ऑप्शन है, एंड अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू, फिर आप नेक्स्ट पेज आएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं यूके में आने के बाद। तो ये सारे रीजन्स है, तो इसमें से जैसे कि हम लोग जाने वाले हैं साउथ ईस्ट इंग्लैंड, तो इसमें हमने ये सिलेक्ट कर दिया एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आता है डे टू टेस्ट। ओके, तो ये हमें डे टू टेस्ट वाला सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस, जिसमें डे टू रैपिड लैटरल फ्लो टेस्ट, ये अभी गवर्नमेंट ने इसको भी अप्रूवल दे दिया है कि आप लैटरल फ्लो टेस्ट भी कर सकते हैं, पीसीआर टेस्ट भी कर सकते हैं, डे टू एंड डे एट टेस्ट दोनों कर सकते हैं। जैसे कि हमने करना है बुक डे टू पीसीआर टेस्ट हम लोग करवाने वाले हैं, तो उसके बाद अगर ये फिल्टर कर देते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ कि आप अपनी टेस्ट किट बुक करवा सकते हैं, एंड जैसे हमने सिलेक्ट किया था टेस्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि इनकी थोड़ी इजी प्रोसेस लगी। हम उनके होम वेबसाइट पे आ गए हैं, एंड यहाँ से हमें क्लिक करना है गेट योर ट्रैवल टेस्ट। फिर यहाँ पे आप अगर लैटरल फ्लो टेस्ट करवाते हैं, टूरिस्ट पे आ रहे हैं तो आप वो करवा सकते हैं, या फिर आप पीसीआर टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो हमने करनी है पीसीआर टेस्ट। ओके, यहाँ पे डे टू एंड डे एट के पैकेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर डे टू के ही अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो। तो जैसे हमने डे टू का सिलेक्ट किया, एंड ये पूरी फीस जो होती है फॉर वन पर्सन, मतलब एक किट के लिए आपको 48 पाउंड देनी पड़ेगी अगर हम डे टू का करवा रहे हैं तो। ओके, एंड अगर आप डे टू एंड डे एट का करने वाले हैं तो इसका है 89 पाउंड्स, तो अभी करीबन मतलब 101 रुपीज़ चलता है, तो आप इसको मान के चलिए कि ये 9000 तक आपका जाएगा 89 पाउंड्स है तो, एंड ये वाला 48 पाउंड्स है तो ये 4800 तक आपका ये जाएगा। तो इसके बाद आपका आता है अराइवल डेट, आपका अब यूके में आने वाले है। जैसे अगर आपने सिलेक्ट किया 13 नवंबर की, हाँ हम लोग आने वाले हैं 13 तारीख को, तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डे टू पीसीआर टेस्ट 13 नवंबर, एंड प्राइस उसका है 48। अगर आप ग्रुप में आने वाले हैं या आपके साथ 2-3 लोग हैं तो आप एक साथ इसको बुक करवा सकते हैं, जितने नंबर चाहिए आप उतना करवा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के लिए एक ही किट चाहिए आपको। तो यहाँ से हमने जैसे 2 बुक करने हैं तो ये प्रोसीड टू चेकआउट। फिर यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपका देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन कंपनी नेम, तो ये ऑप्शनल है। फिर यूके का एड्रेस आपका, आप जहाँ पे भी रहने वाले हैं, देन आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है तो ये आपको पहले ही सारे इसके पैसे देने हैं, एंड उसके बाद ये आप चेकबॉक्स चेक करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, एंड इसके बाद हम लोग प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, जैसे कि हमने 13 तारीख की अराइवल डेट डाली थी तो ये 14 को हमें मिल जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग 15 को इसका अगर टेस्ट करते हैं तो उसके बाद हमें को एक पोस्ट ऑफिस का ड्रॉप अप बॉक्स होता है उसमें डालना पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ से कुरियर भी करवाना होता है तो उसका शिपिंग जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है इनकी तरफ से, तो हमें कोई और पैसे देने नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि जब भी वो बॉक्स आता है ना तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जिसके ऊपर जो स्टिकर्स होते हैं। तो हमने जो डे टू पीसीआर टेस्ट बुक की थी टेस्टिंग फॉर ऑल वेबसाइट से, तो वो हमें मिल चुकी है। ये हमें कल मिली थी एंड इसका हमें आज टेस्ट करवाना है, ये वाला टेस्टिंग फॉर ऑल का यूके अराइवल्स टेस्ट डे टू। कुछ ऐसा पैकेज मिलेगा आपको।
ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट है स्वैप टेस्ट के लिए ना, सिर्फ आपको एक ही उसमें वो कॉटन बर्ड मिलता है, जिसमें पहले आपको ना आपके माउथ का स्वैब लेना है और उसके बाद नोज का स्वैब लेना है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि पहले माउथ का ही लेना है, उसके बाद नोज का लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप अगर नोज का ले लेते हैं तो आप मुँह में डाल नहीं सकते, और शायद वो आप डाल भी सकते हैं क्योंकि आपको कोई देखने वाला है नहीं वहाँ पर कि क्या गलती हुई है आपकी। तो किट एक्टिवेट करने के लिए हमें टेस्टिंग फॉर ऑल डॉट ऐप पे आना है, अगर आपने टेस्टिंग फॉर ऑल से बुकिंग किया है तो इसमें क्लिक करते हैं हम एक्टिवेट किए। ओके एंड जी हाँ, ये आपका नाम पूछेगा यहाँ पे, जैसे कि हमने अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे, आपके ईमेल आईडी से जो भी करना है। तो यहाँ पे जैसे अकाउंट एक्टिवेट है तो यहाँ पे आपका नाम पूछ दिया, तो इसको एक्नॉलेज करना है कि आपका नाम सही या नहीं, मतलब एक हिंट दिया है कि आपका आईडी कहाँ खोजना है। वैसे वहाँ पे एक छोटा सा कार्ड होगा एंड उसमें आईडी करके लिखा होगा, तो आईडी आपको इस सैम्पल आईडी सेक्शन में डालना है। तो हमने यहाँ पे किट का आईडी डाल दिया है, अभी हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी इसमें पूछ रहा है हमें पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स में सेक्स, एथनीसिटी, एनएचएस नंबर अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड फ़ोन नंबर अगर आपका इंडिया का फ़ोन नंबर यहाँ पे काम कर रहा है तो वो, या अगर आपने यहाँ का यूके में आके कोई सिम खरीदा है तो वो आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है। तो योर एड्रेस डिटेल्स में आपको आपका जो भी यहाँ का प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे भी अगर आप होटल में रह रहे हैं तो होटल का, या फिर कहीं आपने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है तो वो आपको इसमें एड्रेस पूरा फिल करना है, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जाएगा कि आप टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप डबल वैक्सीनेटेड, मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं और यूके में विजिट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डे टू करवानी है, और अगर आप ग्रीन कॉरिडोर कंट्री है, जैसे अगर यूके के रेसिडेंट हैं जो ग्रीन लिस्ट में इनके जो भी कंट्रीज हैं उनको भी डे टू ही करवानी है, और अगर आप रेड लिस्ट से आते हैं एंड आपका पार्शली वैक्सीनेटेड है तो आप डे टू और डे एट आपको करवाना पड़ेगा। तो हम जैसे फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, मतलब डबल वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स है, तो उसके लिए हमें सिर्फ डे टू करवानी है। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे। तो ये डे टू अराइवल डिटेल्स में आपको सब अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ अराइवल इन द यूके डालना है, देन फ्लाइट नंबर हुआ, डेट ऑफ डिपार्चर, वैक्सीनेशन स्टेटस अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो यहाँ पे आपको वैक्सीनेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपने एक भी नहीं लिया है तो नॉट वैक्सीनेटेड, एंड अगर आपने एक लिया हुआ है तो आप पार्शियली वैक्सीनेटेड स्टेटस में आएंगे, एंड कंट्री जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो अभी हमने इंडिया सेलेक्ट किया है, आप अपनी कंट्री ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्लियर कर दिया है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे डेट ऑफ सैंपल है, यहाँ पे आपका सैंपल डेट डालना है। तो डेट ऑफ सैंपल में हमने जिस दिन हम सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, जैसे हमारा खुद का स्वैब लेने वाला है, तो उसकी वो हमें डेट डालनी है, एंड जस्ट क्लिक ऑन द एक्टिवेट बटन। तो अभी क्या होता है, हाँ, एक्टिवेशन कंफर्म का हमें एक सक्सेसफुल मैसेज आ गया है जिसमें कहा गया है कि आपकी किट एक्टिव हो चुकी है, एंड ये भी है कि यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस है कि वो शिपिंग इंस्ट्रक्शंस आपको देखनी है। ओके एंड आपका सैंपल कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप व्यू शिपिंग इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि क्या क्या शिपिंग इंस्ट्रक्शंस है, कि आपको आपका सैंपल लेने के बाद कैसे फिर से शिप करना है। जैसे ये रॉयल मेल का है तो रॉयल मेल से हमें वापस कैसे भेजना है इनको। ओके, जैसे कि आपका कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेनी है कि बॉक्स प्रॉपरली सील होना चाहिए, जिस रॉयल मेल 24 का लेबल है वो विजिबल होना चाहिए, उसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, जो प्रायोरिटी बॉक्स है आप इसका लोकेट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आपके सैंपल ड्रॉप करने हैं। ये आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाके इसको देना नहीं है। हमारा जो टेस्टिंग था वो पूरा हो चुका है कोविड वाला, और हम लोग ड्रॉप करने के लिए आए, तो हमें वो जो बॉक्स है ना, तो हमें उस बॉक्स में इसको ड्रॉप करना है, एंड बस हम लोग का काम हो गया है। उसके बाद ईमेल से हमें रिपोर्ट आ जाएगी। हमने जो डे टू पीसीआर टेस्ट की थी, पल जैसे हमने परसों भेजा था, एंड उसका रिजल्ट जो है हमें कल ही मिला। ओके, तो ये आपका जो भी ईमेल आईडी जिसमें आपने अकाउंट बनाया था ना उस टाइम किट एक्टिवेट करते टाइम, तो उसी ईमेल आईडी पे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसका कोई हार्ड कॉपी नहीं आता है, ये सब सॉफ्ट कॉपी में ही होते हैं, मतलब आपकी ईमेल में ही आ जाएगा।
तो इस टाइप का आपका कुछ तो ईमेल रहेगा वो, जैसे हमने टेस्टिंग फॉर ऑल से किया था, तो ये टेस्टिंग फॉर ऑल से हमें ईमेल आ चुका है टेस्ट रिजल्ट अवेलेबल करके। ओके, तो जैसे हम लोग क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू, जहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, यूके अराइवल्स डे टू टेस्ट नेगेटिव। अगर मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो इसका भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे सब, कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप किसी के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उनको भी कैसे आइसोलेशन में रहना है, क्या चीज़ करनी है, ये सब कुछ दिया है। एंड यहाँ पे डाउनलोड योर सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, जिसका अभी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको कोई पूछता है तो ये आपको दिखाना है। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड इस सर्टिफिकेट में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना मोदी जी का फोटो नहीं दिख रहा है कहीं भी, नहीं तो फिर सारे सर्टिफिकेट में, वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट हो, आजकल मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, योर सैंपल डिड नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सार्स कोविड 2 द वायरस दैट कॉजेस कोविड 19 एंड रिजल्ट में ये है, वायरस नॉट डिटेक्टेड। तो अभी हम लोग क्लियर है, हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। एंड जैसे कि यूके में बिना मास्क के भी घूम सकते हैं, यहाँ पे मास्क हटा दिए गए हैं, लेकिन प्रिकॉशन के लिए हम लोग जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, वहाँ पे भी मास्क यूज़ करेंगे, हमारी खुद की और दूसरों की सेफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।